गुड मॉर्निंग बच्चों, मिशन शिक्षा संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक विज्ञान जूनियर स्तर पर आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। बच्चों, धातु आमतौर पर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये चमकदार होते हैं, आघात वर्धनीय, तन्य और सुगढ़ होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। चलिए अब धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानें। पहला गुण होता है कठोरता। धातु अक्सर सख्त होते हैं और रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सोडियम एक अपवाद है क्योंकि वो कठोर नहीं होता, भंगुर होता है। और मरकरी पारा जो कि समान ताप पर द्रव अवस्था में होता है। दूसरा गुण है चमक। धातु में एक खास चमक होती है जिसे मेटल साइन कहते हैं। देखिए ये सब मेटल हैं और ये सब साइन कर रहे हैं, इनमें एक अलग चमक होती है। ऐसे ही अगला गुण आता है तन्यता का। तन्यता क्या होता है? किसी भी धातु को खींच कर पतला तार बना सकते हैं। इसके बाद आता है आघात वर्धन्य। आघात वर्धन्य से क्या होता है? धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। और पांचवा गुण होता है सुचालक। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए धातु का उपयोग बर्तन तथा विद्युत के तार बनाने में किए जाते हैं। तो कौन कौन से गुण निकल के आए? कठोरता, चमकता, तन्यता, आघात वर्धन्यता और सुचालकता। और अधातु के बारे में पढ़ें। ऐसे तत्व जो चमकीला और आघात वर्धन्य नहीं होते तथा ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये सभी की सभी जो हैं वो अधातु हैं। यानी कि धातु का उल्टा क्या हो गया? अधातु। इंग्लिश में क्या कहेंगे इन्हें? नॉन मेटल। चलिए अब जाने अधातुओं के क्या गुण होते हैं। अधातु धातु की तुलना में कम विद्युत चालक होते हैं, धातु की तुलना में कम ऊष्मा के चालक होते हैं, अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं जबकि धातु क्या बनाते थे? क्षारीय ऑक्साइड। और जो अधातु ठोस होते हैं वे भंगुर होते हैं और चमकहीन होते हैं। और अधातु जो होते हैं उनका घनत्व बहुत कम होता है, क्वथनांक और गलनांक धातुओं से काफ़ी कम होता है और इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है और अक्रिय गैस इसके अपवाद होते हैं। तो ये हुए आपके अधातुओं के गुण। चलिए धातु और अधातु में अंतर देख लें। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु कुचालक होते हैं। धातु जो होती हैं वो आघात वर्धनीय होती हैं, इन्हें पीटकर इनका आकार बदला जा सकता है। अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती, इनका आकार नहीं बदला सकता पीट के इन्हें। और जो धातु होते हैं वो तन्य होते हैं, इनके तार बनाए जा सकते हैं। अधातु तन्य नहीं होते, इनके तार नहीं बना सकते हैं। धातुओं में एक ध्वनि होती है और अधातुओं में ध्वनि नहीं होती है। और अणुओं के बीच में, धातुओं के जो अणु होते हैं उनके बीच में उच्च आकर्षण के कारण धातुओं के उच्च तन्यता ताकत होती है, जबकि अधातु में क्या होता है? कम आकर्षण होता है जिसके कारण इनमें कम तन्यता ताकत होती है। धातु का घनत्व अधिक होता है, अधातु का घनत्व कम होता है। धातुओं में उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, अधातु में गलनांक और क्वथनांक कम होता है। धातु ऑक्सीजन के साथ क्षारक ऑक्साइड बनाते हैं, अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे धातुओं का उदाहरण क्या होगा? लोहा, सोना, चांदी, ये सब हुआ। और अधातु में डायमंड और कोयला, अभ्रक, ये सब जो हैं वो अधातु के उदाहरण हैं। चलिए अब धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानें। पहला, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जो भी धातु होगा उसका ऑक्साइड बन जाएगी। जैसे कि सोडियम से ऑक्सीजन
ने रिएक्शन की और क्या बना दिया, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। लोहे की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड। तांबे की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो जो भी धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी उसी का ऑक्साइड बना देगी। चलिए अब जानते हैं जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखें, जैसे कि सोडियम। सोडियम यदि ठंडे पानी से रिएक्शन करेगा तो बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी। और मैग्नीशियम जब उबलते हुए पानी से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन मुक्त होगी। और कैल्शियम जब पानी से रिएक्शन करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और ऑक्सीजन मुक्त होगी। चलिए अब धातुओं की रिएक्शन अम्ल से करके देखें कि उनसे क्या बनता है। धातु जब तनु अम्लों से क्रिया करता है तब वह रबड़ बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। जैसे कि जिंक, जब जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। ऐसे ही Na जब HCl से रिएक्शन करेगा तो NaCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और ऐसे ही मैग्नीशियम Mg जो है वो जब HCl से रिएक्शन करेगा तो MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इस तरीके से ये अम्ल से क्रिया हो गई। चलिए अब जानें धातुओं का संक्षारण। धातुओं की सतह पर वायु, नमी, CO2, SO2 आदि रसायनों आदि का प्रभाव से क्षय होने लगता है, यानी कि वो नष्ट होने लगता है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहा होता है नमी एवं ऑक्सीजन या वायु से अभिक्रिया करके Fe2O3 की एक परत बना लेता है जो भूरे रंग की होती है, जिसे हम जंग लगना भी कहते हैं। और लोहा जो होता है जंग से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। संक्षारण के कुछ उदाहरण, जैसे कि चांदी जो होती है उसकी चमक कम हो जाना, तांबे की छड़ पर हरे रंग की परत बन जाना, लोहे में जंग लगना, लेड का अपनी संरचना खो देना, ये सब संक्षारण के कारण होता है। अब इसे रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। धातु की सतह पर पेंट कर दें, बर्निश की पतली परत चढ़ा दें, और मशीन जो होती है मशीन के पुर्जों पर क्या करेंगे, तेल या ग्रीस लगा कर जंग से बचाया जा सकता है। विद्युत लेपन करके लोहे की सतह पर निकिल कॉपर की परत चढ़ा कर किया जा सकता है। गैल्विनीकरण विधि द्वारा जंग रोधी विलयनों का उपयोग करके या फिर कैथोडिक रक्षण द्वारा हम जंग से यानी कि संसारण से वस्तुओं को बचा सकते हैं। मिश्र धातु वो वस्तुएं हैं जिसमें धातुओं के सब गुण होते हैं। इनमें दो या दो से अधिक धातु या अधातु होते हैं जो पिघली हुई दशा में एक दूसरे से पूरे रूप से घुली रहती हैं और ठोस बनने पर स्पष्ट परतों में अलग नहीं होती हैं, यानी कि एक जैसी होती हैं, अलग अलग परत उसकी दिखाई नहीं देती, एक जैसा आपको दिखाई देगा। ये क्या होती हैं, मिश्र धातु होती हैं, यानी कि मिश्र धातु में एक या एक से अधिक धातु होती हैं। इनका गुण क्या होते हैं, मिश्र धातु में यांत्रिक के साथ साथ भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण पाए जाते हैं। कुछ गुण प्रतिक्रियात्मक, विद्युत चालक, तापीय चालक, अच्छी तन्यता क्षमता, विकृति का प्रतिरोध, आघात वर्धनीयता आदि हैं। मिश्र धातु अक्सर ठोस, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं। इसके अलावा चमकदार, मजबूत और आघात वर्धन्य भी होते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं के बारे में जानें। पहला पीतल। पीतल जो होता है वो तांबे और जस्ते को मिला के बनता है और इसका उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं। कांसा। कांसा टीन और तांबा मिला के बनाते हैं और इसे
सिक्के, घंटी, बर्तन आदि बनाने के काम में लाते हैं। जर्मन स्टील, जर्मन स्टील का प्रयोग भी बर्तन बनाने में करते हैं। और रोल्ड गोल्ड जो होता है वो सस्ते आभूषण बनाने के काम में आता है। ऐसे ही गन मेटल, गन मेटल का प्रयोग बंदूक, बैरल, गियर और वेयरिंग आदि बनाने के काम में लाते हैं। डच धातु, डच धातु जो होती है कृत्रिम आभूषण बनाने के काम में लाते हैं। डेल्टा धातु, डेल्टा धातु का उपयोग हवाई जहाज के ब्लेड बनाने के काम में लाते हैं। मुंज धातु, मुंज धातु का प्रयोग सिक्के बनाने में करते हैं। और शोल्डर, शोल्डर शीशा और टीन का बना हुआ होता है, ये दो धातुओं को जोड़ने के काम में लाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने आज धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।